नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बाल दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मोहा मन। भागलपुर में बाइक सवार दंपत्ति को ऑटो ने मारी जोरदार टक्कर, दोनों की हालत गंभीर। IMA और API की ओर से मनाया गया वर्ल्ड डायबिटीज डे। डॉक्टरों ने कहा भारत में तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या। दुर्लभ पक्षियों को तस्करों की कैद से वन विभाग ने कराया मुक्त, जांच के दौरान पकड़े गए शिकारी। और ट्रेन की गेट पर लटक कर यात्रा कर रहे युवक की पोल से टकरा कर हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। बाल दिवस के अवसर पर शहर के विभिन्न स्कूलों और संस्थानों में कई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इसको लेकर कई जगहों पर फैंसी ड्रेस, खेल और डांस प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जहां बेहतर प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कृत भी किया गया। वहीं बाल दिवस को लेकर मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा की ओर से भी सोमवार को मारवाड़ी कन्या पाठशाला में बच्चों के बीच चित्रकला और नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कई विद्यालय और शिक्षण संस्थान से जुड़े 100 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस दौरान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों के बारे में बच्चों को बताया गया। वहीं मारवाड़ी कन्या पाठशाला के सचिव प्रकाश चंद्र गुप्ता और मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष अभिषेक जैन ने बच्चों को बेहतर चित्रांकन के लिए पुरस्कृत किया। मौके पर राहुल अग्रवाल, विद्यालय के प्रधान अध्यापक राम कुमार, अश्वनी खटोर, प्रशांत टेकरीवाल, जॉनी संथालिया समेत काफी संख्या में विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिका, संस्था के सदस्य और छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। आज मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर शाखा द्वारा राजकीय कन्या मारवाड़ी कन्या पाठशाला में चित्रकला ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन बच्चों के बीच में कराई गई। दो क्लास 5 और क्लास 6 के दो कैटेगरी हम लोग ने बनाई थी, एक क्लास 5 और क्लास 6 और एक क्लास 7 और क्लास 8। दोनों क्लासों में तीन प्रतिभागियों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ दिया गया। लगभग 80 विद्यार्थियों ने, छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। और देखने के सबसे अच्छी बात है कि आज कुछ बच्चों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की फ़ोटो जो अदृश्य बनाई वो देखने लायक थी। वो प्रतिभागी मुझे बहुत कल्पनीय उनका कल्पना देख करके, क्योंकि मैंने आज टॉपिक दिया था कि आपको जो भी बनाना है आप बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चाचा नेहरू की फ़ोटो बनानी है। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, कुछ राधा, कोई कृष्ण, कोई देश का सैनिक बन गया है, पुलिस, सिंघम, परी और राधा कृष्ण जो देख रहे हैं, कुछ स्पाइडरमैन है, कुछ बैटमैन बन के आए हुए हैं। ये बच्चे का उत्साह आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसमें फिर आप झांसी की रानी को देखे, वो झांसी की रानी दो बच्ची बन के आई हुई है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 133वीं जयंती और बाल दिवस सोमवार को देश भर में मनाया गया। इसको लेकर भागलपुर में भी कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर भी पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाई गई, जहाँ विधायक अजीत शर्मा समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तमाम देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनके जन्म दिवस के मौके पर उन्हें याद करते हैं। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू शांत स्वभाव और विचार के थे और बच्चों से लगाव होने के कारण बच्चे उन्हें बच्चों का चाचा नेहरू भी कहते थे, जिनके पद चिन्हों पर चलकर कांग्रेस पार्टी के साथ देश के लोग भी आगे बढ़ेंगे। साथ ही विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि बच्चों के प्रति प्रेम होने के कारण ही उनकी जयंती को देश भर में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौके पर डॉक्टर अभय आनंद, विपिन बिहारी यादव समेत काफी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसवां जयंती के अवसर पे आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो प्रथम प्रधानमंत्री देश के थे, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग सभी कांग्रेस उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए और उनके बताए हुए रास्ते और उन्होंने जो देश के लिए जो काम किया है उस रास्ते पर हम लोग सभी चलकर देश को मजबूत करने का काम करें। उन्होंने जो भारत का निर्माण, आधुनिक भारत का जो निर्माण सपना देखा था वो किया, वो कुर्बानी दी है देश को आज़ाद कराने में। 17 वर्ष वो जेल में रहे, आज जो भी सत्ता में हैं, आज वो जो बोल रहे हैं,
लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा बहुत सारे देशों में विदेशों में लगा है और वहाँ पर इनकी लिखी हुई किताबें बहुत सारे यूनिवर्सिटी 60 यूनिवर्सिटी ऊपर में पढ़ाई जाती है। नाथनगर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंजिया बाईपास चौक के समीप एक बाइक सवार दंपत्ति को ज्ञात ऑटो ने ठोकर मार दी, जिससे दंपत्ति घायल हो गए। वहीं ठोकर मारने के बाद ऑटो समेत चालक मौके से फरार हो गया। इधर घायल की पहचान बरारी के सुमन सौरभ और उनकी पत्नी कोमल कुमारी के रूप में हुई है, जो बरारी फेरी रोड से नवागढ़ी जा रहे थे। इस दौरान ऑटो ने उनके बाइक को टक्कर मार और बाइक का संतुलन बिगड़ जाने से वे दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से दोनों को नाथनगर रेफर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायगंज रेफर कर दिया। भागलपुर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एपीआई की ओर से सोमवार को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया। इस दौरान आईएमए और एपीआई के अध्यक्ष सचिव समेत अन्य पदाधिकारी और कई प्रसिद्ध चिकित्सकों ने डायबिटीज को लेकर चर्चा की और इससे बचाव से संबंधित सुझाव देते हुए आम लोगों से भी सावधानी बरतने की बात कही। वहीं डायबिटीज बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करने पर बल देते हुए डॉक्टरों ने कहा कि भारत में इस बीमारी के मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है और यह शरीर के कई अंगों को प्रभावित करने के साथ साथ कई गंभीर बीमारियों का भी कारण है। कार्यक्रम में आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि डायबिटीज बीमारी की शिकायत अब आम बात हो गई है और अक्सर इस बीमारी के मरीज देखने को मिलते हैं, जो बड़ा खतरा बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे बचाव को लेकर आईएमए लगातार प्रयासरत है और डायबिटीज से ग्रसित मरीजों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टर आरपी जायसवाल ने कहा कि डायबिटीज बीमारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी से आंख और किडनी के साथ अंग को क्षति पहुंचाने की संभावना होती है। साथ ही कार्यक्रम में जिले के कई विशेषज्ञ फिजिशियन चिकित्सकों ने भी डायबिटीज को देश दुनिया के लिए बड़ा खतरा बताया और कहा कि इलाज के साथ इससे बचाव के लिए चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार जीवन शैली में आगे बढ़ाना और सावधानी बरतना जरूरी है। इसके अलावा डायबिटीज से बचाव के लिए अलग अलग तरीकों से उपचार के लिए भी डॉक्टरों ने सलाह दी। मौके पर आईएमए के डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर मनीष कुमार, डॉक्टर भरत भूषण समेत आईएमए और एपीआई के चिकित्सक वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे आज जो कार्यक्रम हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हॉल में यहाँ सब लोग जुटे हैं, जिसमें कि एपीआई के द्वारा ये बताया जा रहा है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा भी कि इसमें जागरूकता बहुत ज़रूरी है। लोगों को ये जानना है, 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डिटेक्ट हो चुके हैं डायबिटिक्स इंडिया में और बहुत तो अनडिटेक्टेड है, इसलिए ये एक साइलेंट किलर है जिसको कि सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है। ये एक एपिडेमिक का रूप ले लिया है और यही मुख्य कारण है कि आप जैसे लोगों के द्वारा लोगों को ये बात पता चले कि ये गंभीर समस्या है जो आँख से लेकर के किडनी तक, हार्ट, हर चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स को इफ़ेक्ट करता है माइक्रो लेवल पर। आज 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन इंसुलिन के खोज डॉक्टर बंटी के द्वारा किया था, जिनका कि ये आज बर्थडे होता है। जहाँ तक डायबिटीज़ को कंट्रोल और डिटेक्ट करने की बात है, जो भी डायबिटीज रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, वो हो या नहीं हो, यदि आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है, आपके परिवार में या आपके क्लोज रिलेटिव्स में डायबिटीज़ के शिकारी ग्रसित रोगी हैं, तो आपको प्रत्येक 6 महीने में जरूर डायबिटीज के लिए जांच करवानी चाहिए। बिहार के सोनपुर में हर वर्ष लगने वाले सबसे बड़े पशु मेला काफ़ी प्रसिद्ध है और वर्षों से यहाँ परंपरा चली आ रही है। इस मेले में जानवरों और पशु पक्षियों की खरीद बिक्री के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं वक्त के साथ सरकार के हस्तक्षेप पर कई नस्ल के पशु पक्षियों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है, लेकिन आज भी मेले में प्रतिबंधित जानवरों और पक्षियों की खरीद बिक्री का अवैध धंधा जारी है। हालांकि अवैध तस्करों पर निगरानी के लिए पुलिस और वन विभाग की टीम लगातार नजर बनाए रखती है और इसी कड़ी में वन विभाग की टीम ने दुर्लभ नस्ल के पक्षियों की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में दुर्लभ नस्ल के पक्षियों की खेप
पटना के रास्ते सोनपुर ले जाई जा रही थी, तभी वन विभाग की टीम ने जांच के दौरान हाजीपुर पटना एनएच पर इन पक्षियों को बाड़े सहित पकड़ लिया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सैकड़ों की संख्या में दुर्लभ नस्ल का तोता, मैना और अन्य पक्षियों को बाड़े में रखकर ले जाया जा रहा था, जिसे पकड़ने के बाद अधिकारियों और पुलिस कर्मियों ने एक एक कर खुले आसमान में आजाद कर दिया। पटना भभुआ रोड के समीप इंटरसिटी एक्सप्रेस की यात्री बोगी के गेट पर खड़े अज्ञात युवक की मौत रेलवे पोल से टकराने के कारण घटना स्थल पर ही हो गई। इसके बाद घटना की जानकारी मौके पर मौजूद समाजसेवी और ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस एवं जीआरपी भभुआ के साथ 112 नंबर पर भी दी। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि यह इलाका जीआरपी के अधीन आता है और इसकी सूचना भी उन्हें दे दी गई है, जिसके कारण युवक का शव सीमा विवाद के कारण काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर पड़ा रहा। मृतक युवक की उम्र करीब 20 से 25 साल बताई जा रही है, जिसने ब्लू रंग की पैंट और पीला टी शर्ट पहना है, लेकिन आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर भी फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है। हालांकि लोग मृतक युवक के मोहनिया क्षेत्र के होने की आशंका जता रहे हैं, लेकिन अस्पष्ट रूप से इसकी कोई जानकारी नहीं मिली है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मैं पार्वती देवी, मेरा उम्र 37 वर्ष है और मेरा फीवर आया था 4 महीना पहले, तो उस समय दिखाए डॉक्टर के पास, तो मेरा थी बोले शुगर जांच कराइए, शुगर जांच कराए तो मेरा 350 था, तो फिर मेरा दवा भी चलने लगा शुगर का। उसके बाद 1.5-2 महीना के बाद यहाँ पता चला कि डॉक्टर है वहाँ दिखाइए, तो दिखाए वहाँ तो मेरा 4 महीना दवा चला तो मेरा शुगर एकदम कंट्रोल है, ठीक है। अभी 1 महीना से मेरा दवा बंद है और शुगर जांच कराए तो मेरा 100 आया और हम सब चीज खा पी रहे हैं और ठीक ठाक हैं। मेरा नाम नूर आलम हुआ, गोपालगंज से हैं। हमको शुगर लमसम 3 साल से था। 3 साल पहले मालूम चला तो हमने आयुर्वेद का दवा खा रहे थे, पर कभी उसमें कम हो जा रहा था, कभी ज़्यादा हो रहा था। यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर साहब का मालूम चला, हम यहाँ आए, आकर दिखाए हैं, लमसम लगातार 5-4 महीने के आसपास दवा खाए हैं। अभी 2 महीने से दवा हम नहीं खा रहे हैं, फिर भी मेरा 139 है सब कुछ खाने के बाद। शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। ज्योति नर्सिंग होम नाथनगर में स्त्री रोग एवं जनरल सर्जरी आयुष्मान भारत के तहत सब सारे लाभार्थियों का निशुल्क दूरबीन एवं जनरल सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। मैं डॉक्टर अन्वेषा स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, साथ में लैप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जन। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंक्वेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। होटल अपोलो, हियर एवरी क्यूबिक स्पेस इज अ मिरेकल। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के प्रवत्ता प्रखंड अंतर्गत अगुवानी सुल्तानगंज पुल निर्माण कार्य में लगी नाव बाजरा से टकरा गई, जिससे नाव में सवार एक मजदूर इस हादसे का शिकार हो गया। बताया जा रहा है कि पुल निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को नाव से उतारा जा रहा था, तभी बाजरा से नाव टकरा गई और नाव पर सवार एक मजदूर लापता हो गया। लापता युवक की पहचान सियादतपुर अगुवानी पंचायत के डुमरिया बुजुर्ग नफटोलिया निवासी सुदामा यादव के 27 वर्ष पुत्र वर्जेश यादव के रूप में हुई है। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और लापता मजदूर की खोजबीन शुरू कर दी गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए साहिबगंज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्रा झारखंड साहिबगंज से पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। इस कड़ी में सोमवार को भागलपुर पहुंचे अनुकूल चंद्र मिश्रा ने कहा कि वे लोग साहिबगंज से पैदल यात्रा पर निकले हैं और वो यूपी के बुलंद
शहर तक पैदल जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस पैदल यात्रा का मुख्य उद्देश्य राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 3,570 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने को समर्थन देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा बहुत बड़ा कदम उठाया गया है और उन्हीं से प्रेरित होकर कांग्रेस के दर्जनों लोग इस भारत जोड़ो पैदल यात्रा में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं। साहिबगंज झारखंड से निकले हैं और बुलंदशहर के यूपी के बुलंदशहर तक जाएंगे और यात्रा का उद्देश्य यही है कि राहुल जी ने जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का यात्रा निकाला है उसको यहाँ से हम लोग जाके जुड़ जाएंगे, उसमें समाहित हो जाएगा ये यात्रा। यही इसका कार्यक्रम है राहुल जी को समर्थन देने के लिए। उन्होंने बहुत बड़ा साहसिक कदम उठाया है, 3,570 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं। हम भी कांग्रेस जन, हम भी जो उनका समर्थक हैं, तो हम क्या बैठ के घर में तो बैठेंगे नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इसमें हम पदयात्रा करते हुए जितना कष्ट से वो जा रहे हैं, हम भी साधन विहीन जैसे भी हम उस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं। नालंदा के धरहरा गांव में एक जनसभा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री द्वारा जो शराबबंदी लागू किया गया है वो कहीं से भी सफल होता नजर नहीं आ रहा है। इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है बल्कि आए दिन बेवजह हजारों लोग जेल में बंद होते जा रहे हैं। आरसीपी सिंह ने कहा कि कुर्नी उपचुनाव में जेडीयू की पूरी तरह से हार होगी, इसलिए राजद ने जेडीयू को यह सीट दे दी है, जबकि नीतीश कुमार जेडीयू के किसी नेता को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को एनडीए का मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था और वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं और नीतीश कुमार कहते हैं कि वो 10 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं, जबकि बड़ा सवाल है कि वो इन्हें वेतन कहाँ से देंगे। किसको आगे बढ़ाना है? किसी जेडीयू के नेता का आगे बढ़ाने का नाम नहीं ले रहे हो? नाम किनका ले रहे हैं? तेजस्वी यादव को ले रहे हैं। स्वाभाविक है, जो आरजेडी के नेता उनका नाम बढ़ाने के लिए रहे हैं। और कुढ़नी में आरजेडी ने क्या किया? उनका सीटिंग सीट और दे दिया जेडीयू का। मतलब क्या है? आगे दोनों मिलकर जब एक ही होने जा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है कि हारना है तो आरजेडी हारे या जेडीयू हारे। इमैकुलेट कॉन्सेप्शन कैथेड्रल साहिबगंज चर्च में मिशन रविवार का आयोजन किया गया। गरीब एवं जरूरतमंदों की सहायता करने को लेकर किए गए कार्यक्रम के दौरान चर्च में मेला भी लगाया गया, जहां खाने पीने के अलावा बच्चों के लिए खेलने के लिए भी दुकानें सजाई गई। इस दौरान बच्चों का झूला, गोलगप्पे, चाट, इडली सांभर समेत कई तरह की दुकानें सजाई गई थी। मौके पर फादर अल्विंस मुर्मू, डॉक्टर रूबी हेम्ब्रम, दिलीप जॉन समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये मुख्यतः प्रभु यीशु के जो शिक्षा है ना, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए हम लोग मेला का आयोजन करते हैं और इससे जो धनराशि जमा होता है वो जहां ज़रूरत है, विशेषकर जो गरीब जनता है उसके लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाता है। और इसी उद्देश्य से हर एक वर्ष एक बार हम लोग मिशन रविवार का महोत्सव मनाते हैं और केवल एक ही उद्देश्य रहता है इसका कि ज़्यादा से ज़्यादा जमा धनराशि का हम लोग जमा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा गरीब जनता को हम लोग भलाई हो सके, इसी मतलब से हम लोग ये मेला तो करते हैं। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। बाल दिवस को लेकर जिले भर में कई कार्यक्रम का हुआ आयोजन, स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर दर्शकों का मोहा मन। भागलपुर में बाइक सवार दंपत्ति को ऑटो ने मारी जोरदार टक्कर, दोनों की हालत गंभीर। आईएमए और एपीआई की ओर से मनाया गया वर्ल्ड डायबिटीज डे, डॉक्टरों ने कहा भारत में तेजी से बढ़ रही मरीजों की संख्या। दुर्लभ पक्षियों को तस्करों की कैद से वन विभाग ने कराया मुक्त, जांच के दौरान पकड़े गए शिकारी। और ट्रेन की गेट पर लटक कर यात्रा कर रहे युवक की पोल से टकरा कर हुई मौत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।